हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपका फोर्थ चैप्टर, जो कि है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर आपका जिस पे बेस्ड है, पहले हम उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, देन हम आपका जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे। तो देखिए, कार्बन के बारे में आप सबको पता होगा कि इसका जो एटमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और इसके ग्रुप की बात करें तो ये आपका 14 ग्रुप का मेंबर है, और पीरियड होता है इसका 2nd पीरियड का, और इसका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2n4। ठीक, अब इसमें न्यूट्रॉन्स की बात करें तो आपका इसमें 6 न्यूट्रॉन्स होगा, और मास नंबर इसका आपका होता है 12, और बैलेंसी होती है इसकी 4, जो कि एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। ठीक, पहले हमने आपको क्या बताया कि इसके एटमिक नंबर के बारे में, कार्बन का एटमिक नंबर आपका 6 होता है, और ये आपका 14 ग्रुप का मेंबर है, और इसका पीरियड जो है आपका पीरियोडिक टेबल में वो 2nd पीरियड है, और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका 1s2, 2s2, 2p2, मतलब इन शॉर्ट बोले तो 2n4। ठीक, और वैलेंसी इसकी होती है आपकी 4, जो कि आपका है एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट। ठीक, मास नंबर हमने आपको बताया, इसका मास नंबर 12 होता है, और इसमें आपके 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब कार्बन की बात करें तो जो भी आपका जो लिविंग सिस्टम्स आप देख रहे हैं, जो भी इवन हम लोग भी, जितने भी एनिमल्स हैं या फिर आपके प्लांट्स हो गए, उन सब में आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। इवन जो ओशियंस हैं, वाटर, सब में जो है आपके कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और अगर आगे बात करें तो फैटी एसिड, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, फैटी एसिड्स हो गए, अल्कोहल हो गया, विनेगर हो गया आपका, या फिर कार्बोहाइड्रेट, तो इन सब में भी आपके कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और इसी कार्बन को बेस रख के आपकी केमिस्ट्री का एक अलग पूरा ब्रांच ही बनाया गया है, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, आई होप इतनी जो भी बातें हमने आपको कार्बन के बारे में बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इनका फॉर्मेशन होता है आपका जब दो एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि जो आपके जो दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बने हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बने हुए हों। ठीक, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डिंग एटम विच मे बी सेम और डिफरेंट। ठीक, क्या समझे हम कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उसके थ्रू जो आपका बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, ये जो दोनों एटम हैं वो आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका कोवेलेंसी के बारे में। तो कोवेलेंसी होती है आपकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कोवेलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म हुआ है उसमें कितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंसी। ठीक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एन एटम फॉर शेयरिंग इज नोन एज कोवेलेंसी। ठीक, ये हुई हमारी कोवेलेंसी। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब ये जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और थर्ड है आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो आपका एक पेयर होगा, मतलब कि उसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हुए होंगे। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में आपका एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और वहीं पे अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 होंगे, जिसमें क्या होगा कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो आपका डबल होगा। ठीक,
ये हुआ आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 6 होता है, या फिर आप सिंपल भाषा में बोल लीजिए 3 पेयर्स। तो इसमें कितना होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 6 नंबर होंगे, ठीक। और इसमें जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आपका ट्रिपल होगा, मतलब कि 3 बॉन्ड आपके फॉर्म होंगे, ठीक। ये हुआ आपका टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आपके कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो है हमारा वो ये है कि ये जो कंपाउंड होते हैं वो आपका नेचर में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सेकंड है आपका कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन अल्कोहल सॉरी बेंजीन, पेट्रोल या फिर कैरोसिन में सॉल्युबल होंगे, ठीक। और थर्ड है कि ये जो कंपाउंड होते हैं आपके वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक। इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो देखिए पहला क्या है, दीज कंपाउंड आर मॉलिकुलर इन नेचर। सेकेंड है दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन, कैरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक। ये हो आपका सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है दीज कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो हमने पहला पॉइंट क्या बताया आपको, पहला बताया कि क्या आपका मॉलिकुलर फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होंगे। सेकंड हमने बताया आपको कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन बेंजीन, कैरोसिन या फिर पेट्रोल में आपके सॉल्युबल होंगे। और थर्ड पॉइंट हमने बताया कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक। ये तीनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अभी तक हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया। पहला तो हमने डिस्कस किया जिस पे ये चैप्टर बेस्ड है, कार्बन के बारे में, उसके जो एटमिक नंबर है, मॉलिकुलर मास है, ये इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। सेकंड हमने आपसे के साथ डिस्कस किया कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। थर्ड डिस्कस किया कोवेलेंसी के बारे में। और फोर्थ जो टॉपिक डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रॉपी क्या होता है, तो अगर हम एलोट्रॉपी की बात करें तो आपका कोई एक एलिमेंट होगा उसके जो है डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होंगे नेचर में, लेकिन उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो तो सेम होगी, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो आपकी डिफरेंट होगी, ठीक। ये होता है आपका एलोट्रॉपी। क्या बताया हमने आपको, हमने आपको ये बताया कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनकी किसी भी एलिमेंट का जो है डिफरेंट फॉर्म उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। लेकिन इनमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन एलोट्रॉप्स की, जो भी डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स के हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो तो सेम होगी, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक। तो देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये होते हैं हमारे एलोट्रॉप्स। अब आपकी एनसीईआरटी में कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स दिए हुए हैं। पहला तो आपका डायमंड है, सेकंड है आपका ग्रेफाइट और थर्ड है आपका फ्लोरीन्स, ठीक। ये तीनों एलोट्रॉप्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हम एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा 1-2 मिनट में। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो पहला कार्बन का एलोट्रॉप है वो है डायमंड के बारे में। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपके 4 कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू, ठीक, और फॉर्म करते हैं 3D स्ट्रक्चर। जैसे देखिए ये हुआ आपका पहला कार्बन एटम, अब ये जुड़ा होगा आपका 4 कार्बन एटम से, एक मान लीजिए इधर, एक इधर और एक इधर। अब ये जो नेक्स्ट कार्बन एटम है वो भी आपका 4 कार्बन एटम से अटैच होगा, ठीक, और ये भी आपके 3,
तीन और कार्बन एटम से अटैच होंगे। अब ये नेक्स्ट वाला भी आपका तीन नेक्स्ट कार्बन एटम से अटैच होगा। ठीक, ये होता है आपका डायमंड का स्ट्रक्चर। इसको आप एक बार एनसीईआरटी से, अगर आपको स्ट्रक्चर और अच्छे से देखना होगा इन सब का, तो एक बार आप एनसीईआरटी को कंसीडर कर लीजिएगा, उसमें अच्छे से आपका स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपका सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और इसका यूज़ की बात करें तो आप सबको पता होगा कि इसके यूज़ हम ज्वेलरी में करते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है डायमंड पहनने का, तो वो बेसिकली ज्वेलरी पहनते हैं डायमंड्स की। और इसका यूज़ हम एक और काम में करते हैं, यूज़ तो बहुत सारी जगह होता है, लेकिन आप दो ही याद रखिए, पहला तो ज्वेलरी और सेकेंड जो है वो आपका ड्रिलिंग में इसका यूज़ होता है। ठीक, ये हुआ आपका डायमंड के बारे में। तो देखिए, डायमंड के बारे में अगर पहला पॉइंट डिस्कस करें तो पहला है कि ईच कार्बन इज बॉन्ड टू फोर अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर। ठीक, और इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक, ये हुआ आपका डायमंड के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपके जो कार्बन अटैच होंगे वो एक दूसरे से सिर्फ 3 कार्बन अटैच होंगे और फॉर्म करेंगे आपका एक हेक्सागोनल शेप। ठीक, अब जो ये हेक्सागोनल शेप होता है वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर अटैच होता है। ठीक, तो देखिए हमने क्या बताया, हमने ये बताया आपको कि कार्बन जो ग्रेफाइट में प्रेजेंट होंगे वो 3 कार्बन एक दूसरे से अटैच होंगे और फॉर्म करेंगे आपका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा वो आपका एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर प्रेजेंट होंगे। अब सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो होता है ग्रेफाइट, सॉरी डायमंड का उल्टा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है और स्लीपरी होता है। ठीक, और थर्ड पॉइंट है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा क्यों, कि क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है लेयर बाय लेयर, उसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये नॉन मेटल होते हुए भी आपका एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वहीं पे अगर डायमंड की बात करें तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराई जा सकती। ठीक, ये हुआ आपका ग्रेफाइट के बारे में। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल शेप एंड दीज हेक्सागोनल एरी प्लेस्ड इन लेयर 1 अबव द अदर। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज स्मूथ एंड स्लीपरी, और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन्स के बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो फर्स्ट आइडेंटिफाई था वो था आपका C60, और इसमें जो आपके कार्बन एटम अरेंज होते हैं वो आपका फुटबॉल शेप में होते हैं। ठीक, तो देखिए पहला हमने क्या बताया आपको कि फर्स्ट जो आइडेंटिफाइड फ्लोरीन्स है वो है आपका C60, और सेकेंड बताया कि जो कार्बन है वो शेप देते हैं किसका, एक फुटबॉल शेप में। ठीक, पहला है द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60 एंड कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। ठीक, ये हुआ आपके तीनों कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में हमने आपको जितना पढ़ाया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा बहुत भी छूट रहा है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया है, फिर से आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। और इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।